हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज आशीष चार्ल्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर एक्सप्लेनेशन 2022 सेक्शन बी पोर्शन। तो हम फर्स्ट पार्ट पे सेक्शन ए वाले पे वीडियो बना चुके हैं, सेक्शन बी वाले पार्ट पे हम डिस्कशन कर रहे हैं और इसमें टू मार्क्स वाले क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत बड़ा आंसर नहीं देना होता, लेकिन क्योंकि जब मैं एक्सप्लेनेशन कहता हूँ तो एक्सप्लेनेशन मीन्स एक्सप्लेनेशन, तो इससे रिलेटेड कुछ उस दूसरे 4 मार्क्स टाइप वाला क्वेश्चन भी आ सकते हैं कुछ, तो हम कोशिश करेंगे कि हर तरीके से डिफाइन कर सकें। तो पहला सवाल ये है कि ए जी आई टू कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल वेयर इज ए जी एफ टू निगेटिव इज अनस्टेबल। तो एक्चुअली जब हम इस पर बात करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा, ए जी आई टू ये ब्रेक होगा आपका ए जी प्लस प्लस 2i नेगेटिव, और 2i नेगेटिव में आपके पास इस तरीके से ब्रेक होगा, तो एक नेगेटिव तो पहले से ही था, एक नेगेटिव और आया तो Ag प्लस के रिस्पेक्ट में कैसे चार्ज आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया या i2 नेगेटिव, तो Ag पे प्लस है। और AgF2 को अगर हम ब्रेक करेंगे AgF2 नेगेटिव को, तो ये कुछ इस तरीके से ब्रेक हो रहा होगा Ag प्लस प्लस 2F नेगेटिव, इस तरीके से इनकी ब्रेकिंग वगैरह हो रही होगी। फिलहाल ये जैसे भी ब्रेक हुआ है, तो जनरली हमने सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस पे सेक्शन बी में भी क्वेश्चन पे डिस्कशन किया है, पूरी इस पे वीडियो बनाई है, फिर से लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, फर्स्ट पार्ट में भी डाल दिया सेक्शन ए वाले पार्ट में भी। अब इस वाले के बात करें तो इसकी कहानी ये है कि आपके पास एटमिक नंबर जनरली ट्रिक है कि 1 से 25 तक वाले हार्ड की कैटेगरी में आते हैं, जिनका एटमिक नंबर 25 से बड़ा होता है वो साइज़ में बड़े होते हैं, जिस वजह से ये सॉफ्ट होते हैं। तो बेसिकली इसका एटमिक नंबर 30 से तो 25 से बड़ा होता है तो ये सॉफ्ट कैटेगरी में है, और पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, लोन पेयर की कमी है तो लुईस एसिड है, तो ये सॉफ्ट एसिड है। जबकि आयोडीन का एटमिक नंबर 53 होता है, 25 से ज़्यादा ही होता है, तो ये सॉफ्ट होते हैं। और निगेटिव चार्ज वाले को लोन पेयर वाले को बेस कहते हैं, तो ये सॉफ्ट बेस है। इसी तरीके से ये सॉफ्ट एसिड है, और ये आपका फ्लोरीन का एटमिक नंबर 9 होता है, तो ये एक हार्ड बेस है। तो सॉफ्ट सैप प्रिंसिपल ये कहता है कि हार्ड एसिड हार्ड बेस से अगर मिलता है तो एसिड और बेस मिलकर के सॉल्ट बनाएंगे, तो हार्ड हार्ड मिलकर के स्टेबल, सॉफ्ट सॉफ्ट मिलकर के स्टेबल, हार्ड सॉफ्ट से मिलकर के अनस्टेबल, सॉफ्ट हार्ड से मिलकर के अनस्टेबल। तो सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस से मिलकर के जो सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ है, ये सॉल्ट कैसा होने वाला है, आपके पास स्टेबल सॉल्ट होगा। कैसा सॉल्ट होगा? स्टेबल। तो आपके पास दूसरा वाला जो ये है, ये सॉफ्ट और हार्ड से हार्ड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, तो ये वाला जो होगा ये कैसा कॉम्प्लेक्स होगा? अनस्टेबल। तो इसी टाइप का क्वेश्चन होगा ये, ए जी आई टू कॉम्प्लेक्स स्टेबल है, क्यों? सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। बाकी सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस क्या होता है, उस पूरी प्रिंसिपल की बात करें तो उस पर हम पूरा एक वीडियो बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। समझा दिया हमने आपको ये अलग क्वेश्चन, अब हम आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं, आओ सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन वाई द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर अ D5 हाई स्पिन ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स इज 0। वो ये कह रहा है आपसे दूसरे वाले में कि किसी D5 सिस्टम की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी जो किसी क्रिस्टल को स्टेबलाइज करती है D5 सिस्टम में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, क्योंकि कंपाउंड टेट्राहेड्रल भी हो सकता है पर ऑक्टाहेड्रल में डिफाइन करना है, इसकी CFSC की वैल्यू 0 आती है, आपको बताना है क्यों कैसे। तो पहले तो आपको CFSC समझाना पड़ेगा, तो हम D5 सिस्टम बना के दिखाते हैं आपको। 1 2 3 4 5 डब्बे बना दिए हमने, और D5 है तो D में 5 इलेक्ट्रॉन भी दिख रहे होंगे। जब लिगेंड मेटल से जुड़ने के लिए आता है और कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, तो ऑक्टाहेड्रल के केस में डी ऑर्बिटल की एनर्जी ऐसे नहीं रहती, डीजेनरेसी स्टेट में एक ही एनर्जी लेवल पे नहीं होते, ये 2 पार्ट में टूट जाते हैं, 2 डब्बे 3 डब्बे नीचे बनते हैं जिसे ट्रिपलेट T2G, और 2 ऑर्बिटल ऊपर बनते हैं जिन्हें EG से प्रेजेंट कर रहे हैं। इन दोनों की एनर्जी गैप क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन स्प्लिटिंग एनर्जी डेलो कहते हैं, और 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। और सवाल में ये था कि ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 1 2 3 4 5 हाई भरते हो तो हाई स्पिन, नीचे भर देंगे तो लो स्पिन कहते हैं। वीक फील्ड की प्रेजेंस में हाई स्पिन बनते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में लो स्पिन बनते हैं। फिलहाल उसने क्वेश्चन में बोला था कि इस तरीके से अरेंज है, तो CFSE की वैल्यू 0 आती है कैसे, उसे बताते हैं। तो पहले CFSE के लिए ध्यान रखना कि ये 2 एनर्जी लेवल है, यहाँ कितने डब्बे हैं? 3,
तो इसकी एनर्जी की वैल्यू 0.6 डेल ओ होती है, याद रखने के लिए। सॉरी, ऊपर कितने दो ऑर्बिटल है, तो नीचे की तरफ 0.4 डेल ओ। नीचे कितने डब्बे हैं, तीन डब्बे हैं, 3 × 2 = 6, तो 0.6 डेल ओ का गैप ये होगा, मतलब ये गैप इतना होता है और ये गैप 0.4 का गैप है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूँ तो 0.6 माइनस माइनस 0.4 जो कि 1.0 यानी कि 1 डेल्टा ओ बना देगा। तो ये आपका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा, माइनस 0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2g। कैसे करा हमने, माइनस 0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2g प्लस 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ई जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो भरते हैं, प्लस MP लिखते हैं। M मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाय द लिगेंड। यहाँ पे पेयरिंग पेयर्ड है नहीं इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये जीरो हो गया, और P का मतलब होता है पेयरिंग एनर्जी। तो फिलहाल हम इसे सॉल्व करेंगे, तो माइनस 0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2g कितने हैं 3, प्लस 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ई जी में कितने 2, और पीछे से इन इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर डेल ओ भी आता है, तो ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे डेल्टा ओ भी आ जाएगा। सॉल्व करेंगे फिलहाल, तो माइनस 4 × 3 = 12, माइनस 1.2 प्लस 1.2, तो माइनस 1.2 प्लस 1.2 डेल्टा ओ, एम की वैल्यू 0 थी वो तो 0 ही हो गया, और माइनस 1.2 प्लस 1.2 इससे कैंसिल होकर ओवरऑल 0 आ रही है। तो CFSE 0 क्यों आती है, क्योंकि CFSE का फॉर्मूला से लगाएंगे तो ये आ जाएगा। अगर ये D6 होता या D7 होता और लिगेंड की वजह से पेयरिंग आती, तो लिगेंड की वजह से पेयरिंग आने पे यहाँ पर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते वो M की वैल्यू हो जाती। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में हम चलते हैं, आओ सीखें, अपना काम कर लें, स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, NiCl4 का होल 2 नेगेटिव इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, टेट्राहेड्रल नहीं बोला है इसने बोला है कि ये पैरामैग्नेटिक है, पर हम प्रूफ कर लेंगे, दोनों ही बता देंगे कि ये टेट्राहेड्रल भी होता है, ऐसे भी पूछा जाता है कई बार। और दूसरा सवाल है कि NiCn का होल 4 2 नेगेटिव इज डायमैग्नेटिक है, और इसकी जो ज्योमेट्री आती है वो स्क्वायर प्लेनर आती है, ऐसा प्रूफ करके बताना है आपको। तो बेसिकली NiCl4 का होल 2 नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आए। XCl का ऑक्सीडेशन नंबर -1 × 4, -4 = -2, X = सॉल्व करोगे तो 2 आ जाएगा। निकिल भाई साहब का एटमिक नंबर होता है 28, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 4s2 तक 20 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, 3d में 8, 2 यहाँ लिख दो, 8 यहाँ लिख दो, ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ रहा है, 4s0 और 3d 8। इन सब पे कोऑर्डिनेशन पे बहुत वीडियो बना चुका हूँ मैं, वहाँ पे पूरी डिटेलिंग में बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, 4s0 3d8, 4s है तो 4p भी होगा भले से इलेक्ट्रॉन ना हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो या तो sp1 p2 p3 हो सकता है, या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो dsp1 p2 हो सकता है। फिलहाल लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, हाई स्पिन कंपाउंड बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, हाई स्पिन और लो स्पिन का क्या मतलब है, आओ सीखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब ये लिगेंड वीक फील्ड है तो बाहर से जुड़ेगा, कितने लिगेंड जोड़ने हैं हमको, 4 Cl, 1, 2, 3, 4, सारे लिगेंड ने अपने अपने लोन पेयर डाले, और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनाया, sp3 बनाया। तो ज्योमेट्री कैसी होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, ऑप्शन हो गया। 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो मॉलिक्यूल कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक है। आओ दूसरा, इसी का दूसरा भाई वाला क्वेश्चन सॉल्व करें। NiCn का होल 4 2 नेगेटिव डायमैग्नेटिक है, क्यों, X -1 होता है, साइनो का ऑक्सीडेशन नंबर -1 × 4, -4 = -2, चार्ज है, सॉल्व करेंगे X = 2, ऑक्सीडेशन स्टेट आया सेंट्रल एटम निकिल का, फिर निकिल का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 4s2 तक 20, 3d में 8, ऑक्सीडेशन नंबर +2, 4s0, 3d 8, 4s है तो 4p भी होगा, इलेक्ट्रॉन ना हो भले से, d के 5 डब्बे, 4s और 3p के डब्बे बना देंगे, डब्बे मतलब ऑर्बिटल्स, 5, 6, 7, 8 हो गए।
अब ये जो लीगेंड है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड की खासियत होती है कि ये पेयरिंग कराते हैं, और जब ये पेयरिंग कराएंगे तो ये कुछ इस तरीके से कराएंगे, ये पेयर्ड हो जाएंगे, वो ग्राउंड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट हो गया आपका। कितने लीगेंड जोड़ने हैं हमको? चार, 1, 2, 3 और 4। तो 4 CN जुड़ करके DSP2 हाइब्रिडाइजेशन आया है, DSP1P2, DSP2 हाइब्रिडाइजेशन आया है। और जब DSP2 हाइब्रिडाइजेशन आता है तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है तो ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होती है, वो दिख ही गया होगा, बना भी सकते हैं स्क्वायर प्लेनर। यहाँ NI बना देंगे, यहाँ CN, 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 NI, CN का होल 4। 2 नेगेटिव, इसे टेट्राहेड्रल दिखाना था तो हम दिखा सकते थे इस वाले के लिए, NiCl4, 2 नेगेटिव। फिलहाल यहाँ पर हम देखें तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन एबसेंट है, एबसेंट होते हैं तो मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? डायमैग्नेटिक होते हैं। पॉज करके स्क्रीनशॉट लें, छापे, हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आओ सीखें, कमेंट करके अपने रिस्पांस दे दिया करें कि आप लोग होश में वीडियो देख लेते हैं कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं वापस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं डिस्कस लैपोर्टे सिलेक्शन रूल, डिस्कस लैपोर्टे सिलेक्शन रूल। लैपोर्टे सिलेक्शन रूल वॉच सेक्शन ए पार्ट 1 वीडियो, जाकर के वहाँ देखो, वहाँ समझा दिया ये, और इवन पूरा ही टॉपिक सिलेक्शन रूल लैपोर्टे स्पिन सिलेक्शन रूल पे अलग से यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पूरा टॉपिक वैसे भी बता रखा है पहले भी। नेक्स्ट टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। स्टेप वाइज एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्टेप वाइज एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ये भी हमने पहले वाली वीडियो के लिंक में डाला हुआ है, इसमें भी डाल देंगे स्टेप वाइज और ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। इस पे पूरा ही वीडियो बना हुआ है तो वहाँ पर से इसको लिंक में डाल देंगे इस वाले क्वेश्चन के लिए। EAN रूल, EAN रूल मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, उसे आपके लिए अपलोड कर लेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन बताना है, 7 नंबर का क्वेश्चन है, सिलिकॉन्स क्या होते हैं? एक्चुअली सिलिकन के पॉलीमर को सिलिकॉन्स कहते हैं। इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब करते हैं, इसे डिस्क्राइब करने से पहले फ़िलहाल तो इसमें कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, मिटा देते हैं। जो क्वेश्चन नहीं बताए हैं वो क्वेश्चन बता चुके हैं पहले ही काफ़ी सारी वीडियोज़ में, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आराम से देखते रहना। अभी हम सिलिकॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं, उससे पहले एक क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं, सेक्शन 1 का छूट गया था। वो क्वेश्चन था कि एनीमिया रोग के लिए कौन सा मेटल है जो एनीमिया, जिस मेटल की कमी से एनीमिया का डिजीज़ होता है, तो आयरन मेटल है जिसकी कमी से एनीमिया डिजीज़ होती है। और आयरन जो है वो ब्लड में पाया जाता है, और अगर हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में मेटल वही पाया जाता है, और अगर ब्लड में ही ब्लड की कमी हो गई या हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो आपकी बॉडी में फिर जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है वो सारा कुछ काम हो नहीं पाएगा। इस वजह से आपका जो डिज़ीज़ पैदा होता है उसकी वजह से, आयरन की कमी से, उसे एनीमिया डिज़ीज़ कहते हैं। और अभी हम किसके पे बात करने वाले हैं? सिलिकॉन्स वाले टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो इस टॉपिक या जो आपके पास सिलेबस में है उस, आपकी सिलेबस में इस यूनिट का नाम है फॉस्फाजीन्स एंड सिलिकॉन्स। तो मैं फॉस्फाजीन्स पे पूरी वीडियो बना चुका था, सिलिकॉन्स वाला रह गया था, उस पर अभी डिस्क्राइब कर। सो हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, सिलिकॉन्स वाले को डिफाइन कर लेते हैं। तो सिलिकॉन्स के बारे में हम बता दें कि पॉलीमर्स ऑफ सिलिकन को, सिलिकन समझ रहे हैं, 14 ग्रुप के जो मेंबर होते हैं, सस, सी, जी, सन, पब, उसमें जो सिलिकन ये वाला एलिमेंट है उसके जो पॉलीमर बनते हैं उन्हें इनऑर्गेनिक पॉलीमर की कैटेगरी में आप पढ़ रहे हो। आज तक पॉलीमर्स मोस्टली जो पढ़े जाते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े जाते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पॉलीमर्स के बारे में जो बात चल रही है वो एक फॉस्फाजीन्स और फॉस्फानाइट्रिक हैलाइड, फॉस्फाजीन्स और सिलिकॉन्स के बारे में बात चल रही है। तो सिलिकन के पॉलीमर को ही क्या कहते हैं? सिलिकॉन्स कहते हैं। वैसे सिलेंस भी कहते हैं बट जनरली सिलिकॉन्स ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है सिलिकॉन्स के पॉलीमर के लिए, सिलिकन के पॉलीमर के। अब सिलिकन पॉलीमर बनाएंगे तो पॉलीमर पहली बात क्या होते हैं? जब छोटी छोटी यूनिट आपस में मिल करके बड़ा सा एक मॉलिक्यूल फॉर्म करती है, बड़े से हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला फॉर्म करती है, उसे पॉलीमर कहते हैं। छोटी छोटी यूनिट जो आपस में मिल रही हैं उन्हें मोनोमर यूनिट्स कह रहे हैं।
जो बड़ा मॉलिक्यूल मिल रहा है वो आपका पॉलीमर है। इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। इतना सबको पता होगा पॉलीमराइजेशन के बारे में, नहीं पता तो आज समझ लो। मुझे सबसे बेहतरीन एग्जांपल लगता है पॉलीमर को समझाने के लिए कि आपने आटे के पार्टिकल्स थे, आपने उसमें पानी डाला और पानी डालने के बाद उसमें गुदगुद मारे और गुदगुद मार करके एक आटे का डल्ला या डो बनाए, वो एक पॉलीमर बन गया। तो आटे के छोटे छोटे पार्टिकल्स कैसे हैं? मोनोमर पार्टिकल्स हैं और बहुत मिल करके क्या बना रहे हैं? हाई मॉलिकुलर वेट वाला पॉलीमर बना रहे, फिर उससे आप रोटियाँ बनाओ, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, आटे का डो बन जाएगा। इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कह रहे हैं। उस पॉलीमराइजेशन के केस में हम सिलिकन के पॉलीमर के बारे में बात कर रहे हैं। तो पॉलीमर के जो सिलिकन होते हैं, सिलिकन के जो पॉलीमर होते हैं या सिलिकॉन्स जो होते हैं, वो आपके मेनली तीन कैटेगरी में कैटेगराइज हैं। एक है लीनियर सिलिकन या लीनियर सिलिकॉन्स, दूसरे हैं आपके पास क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, और तीसरे हैं आपके पास साइक्लिक सिलिकॉन्स। तो ये तीन टाइप के सिलिकॉन्स हमारे पास हैं, लीनियर, साइक्लिक और क्रॉस लिंक्ड। तो लीनियर सिलिकॉन, ऑब्वियसली बात है कि जब चीज़ें जुड़ती हैं और एक लाइन में जुड़ती चली जाएंगी तो लीनियर है, और क्रॉस लिंक्ड से जुड़ेंगी तो ये वाली होती हैं, और दूसरे साइक्लिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगी तो साइक्लिक वाले कैटेगरी में आ जाएंगी। तो मेनली इन चीज़ों पे बात करना है। और भी चार टाइप और बोले जाते हैं, सिलिकॉन रेजिन, सिलिकॉन फ्लड या सिलिकॉन फ्लूड, सिलिकॉन रेजिन, सिलिकॉन फ्लूड, सिलिकॉन ग्रीस और एक और सिलिकॉन लिक्विड। चार टाइप के सिलिकॉन और भी बोले जाते हैं, ये एक्चुअली कुछ नहीं है, इन्हीं के कुछ पार्ट हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं लीनियर को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, फिर आगे बात करते हैं। तो लीनियर वाले बनाने के लिए, जैसे ये सिलिकन है, इस पर दो तरफ तो आपके एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, R मतलब एल्काइल, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, और इधर दो तरफ हेलोजन लगे हुए हैं। तो डाई क्लोरो डाई एल्काइल सिलिकन की यूनिट्स आपस में कंबाइन करेंगी। पहले तो ये अपना हाइड्रोलिसिस करती हैं, तो हाइड्रोलिसिस वाटर से रिएक्ट करा, दो वाटर मॉलिक्यूल लिए, HCl, तो 2HCl आपका बाहर हो गया, और क्या फॉर्म कर रहा है ये आपका डाई एल्काइल डाई हाइड्रोक्सी सिलिकन, डाई एल्काइल डाई हाइड्रोक्सी सिलिकन का फॉर्मेशन हो गया। और ये एक मोनोमर यूनिट है जिसने जुड़ना है, और लीनियरली जुड़ेंगी तो लीनियर सिलिकॉन्स का फॉर्मेशन करेंगी, जैसे SiR(R)OH(OH). ये एक मोनोमर है। एक और एग्जांपल दिखा देते हैं आपको इसी का, और ये लाइन से जुड़ने वाले हैं थोड़ी देर में। तो ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तो यहाँ से आपका H2O बाहर हो जाएगा, और जब H2O यहाँ से रिलीज़ होगा, और कितने H2O बाहर निकलेंगे अभी बताते हैं। H2O बाहर निकलेंगे तो आपका किस तरीके का प्रोडक्ट दिखाई देगा, SiR(R), और यहाँ इन दोनों के बीच में ये O आ जाएगा, SiR के बीच में SiR(R), और आपका OH और OH। एक्चुअली में इसके सिर्फ दो ही यूनिट्स नहीं जुड़ रही हैं, N यूनिट जुड़ रही हैं, या N और N 2N यूनिट्स जब कंबाइन करेंगी। तो जब दो मॉलिक्यूल थे तो सिर्फ एक H2O निकल रहा था, तीन यूनिट्स होती तो दो H2O बाहर हो जाते हैं, चार यूनिट होती तो तीन H2O, तो N और N टोटल कितनी यूनिट्स हैं हमारे पास, 2N, तो उससे एक कम वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, तो 2N-1 हो जाएगा। यहाँ से भी H बाहर हुआ होगा, यहाँ से भी H बाहर हुआ होगा, तो कुछ इस तरीके से ऐसा होता रहेगा, और ये आपस में जुड़ते रहेंगे एक लाइन से। लीनियर सिलिकॉन्स का फॉर्मेशन कर दिया इन्होंने, तो दैट इज़ कॉल्ड लीनियर सिलिकॉन्स। तो क्या कहेंगे, डाई क्लोरो डाई एल्काइल सिलिकन कम्बाइंस या रिएक्ट विद 2 moles ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्म डाई एल्काइल डाई हाइड्रोक्सी सिलिकन विच आर मोनोमर यूनिट फॉर सिलिकॉन्स लीनियर सिलिकॉन्स, एंड दीज यूनिट्स कम्बाइंस टुगेदर एंड फॉर्म अ हाई मॉलिकुलर वेट कंपाउंड कॉल्ड लीनियर सिलिकॉन्स। तो लीनियर सिलिकॉन्स आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपका क्रॉस लिंक्ड वाला, तो क्रॉस लिंक्ड को डिस्कस कर लेते हैं, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, मिटा लें, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। क्रॉस लिंक्ड वाला कैसे बनाएंगे उसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या किया जाता है क्रॉस लिंक्ड वाले में, आपके पास
ट्राई एल्काइल ले रहे हैं, सॉरी ट्राई एल्काइल कह रहा हूँ, ट्राई हाइड्रोक्सी एल्काइल सिलिकन, ट्राई हाइड्रोक्सी एल्काइल सिलिकन, ये यूनिट आपस में कंबाइन कर रहे हैं। तो जब इसकी यूनिट कंबाइन करेंगे तो कैसे कैसे कंबाइन करते हैं उसे समझते हैं। ये आपका R OH OH और यहाँ पर आपका OH, ट्राई हाइड्रोक्सी एल्काइल सिलिकन, तो ऐसे फिर इधर से भी OH, फिर SI, फिर इधर की तरफ R, फिर ट्राई हाइड्रोक्सी एल्काइल सिलिकन, फिर से इधर भी वही ट्राई हाइड्रोक्सी एल्काइल सिलिकन, और ये यूनिट आपस में कंबाइन करिए, चार यूनिट करके दिखाइए। तो जनरली ये ऐसे n यूनिट जुड़ रही हैं और सिंपली n H2O ही कर लेना सिंपल वे में, यहाँ से H2O, यहाँ से H2O, यहाँ से H2O, यहाँ से H2O, यहाँ से H, यहाँ से OH, फिर ऐसे H, HOH, HOH, इस तरीके से निकलता रहेगा और ये यूनिट्स ऐसे ही जुड़ती चली जाएंगी, SI, R, फिर OSI, फिर R, फिर यहाँ से O और इसकी वैलेंसी खुल जाएगी, फिर SI, फिर O, फिर इसकी एक वैलेंसी खुल जाएगी और जुड़ते रहेंगे, और इनके बीच में भी एक O आ जाएगा, फिर SI के बीच में यहाँ पर भी O आ जाएगा, सब SI, O, SI, O वाली यूनिट जुड़ रही हैं, और एक तरफ एल्काइल यहाँ भी है और एक तरफ यहाँ पर भी है। तो ये जो यूनिट जुड़ी हैं लीनियर ऐसे बनते हैं, ये भी लीनियर है, और ये साइड चेन से अगर ऐसे कनेक्ट हो जाए तो उसे क्रॉस लिंक्ड कहते हैं। तो ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है, तो ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर आपको दूसरे टाइप वाले समझ में आ गए होंगे। अब बचता है इसमें साइक्लिक सिलिकन। तो यहाँ पर हम ध्यान दे सकते हैं कि हमने एक बार तो क्या लिया है, लीनियर वालों के लिए डाई हाइड्रोक्सी वाला लिया था, क्रॉस लिंक्ड बनाने के लिए ट्राई हाइड्रोक्सी ले रहे हैं, और अभी एक और बच रहा है हमारे पास साइक्लिक सिलिकन, वो भी डाई हाइड्रोक्सी वाले से बन जाएगा। तो इस वाले के लिए भी आपके पास डाई एल्काइल ऐसे दिखा देते हैं हम इसको, डाई एल्काइल है और डाई हाइड्रोक्सी सिलिकन है, इसकी यूनिट कंबाइन करनी है हमको। तो इसकी यूनिट कंबाइन करके कैसे बनेगा उसे समझते हैं। पहले तो डाई हेलोजन वाला ले लेते हैं, कोई भी क्लोरीन ब्रोमीन, और इसका हम फिर से हम हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। क्रॉस लिंक के लिए भी ये क्लोरीन वाले से स्टार्ट कर सकते थे, अगर बड़े मार्क्स का क्वेश्चन है तो बड़ा करने के लिए OH, और यहाँ पर भी OH, और जब ये बन जाएगा हाइड्रोक्सी वाला तो ये यूनिट जुड़ेगी। अब मैं इसकी ले रहा हूँ तीन यूनिट्स, फॉर एग्जांपल SI, R, R, और इधर ले लिया हमने OH, और इधर भी ले लिया OH, एक यूनिट। साइक्लिक बनने के लिए कम से कम तीन चीज़ें तो होनी चाहिए, इधर आपका आ गया OH, इधर आपका आ गया फिर से OH, और इधर आ गया R, फिर आ गया तीसरा SI, फिर यहाँ पे R और यहाँ पे R, इधर की साइड OH और इधर की साइड, तीन यूनिट आपस में कंबाइन करिए तो HOH H2O, HOH H2O, फिर यहाँ से HOH H2O, तो थ्री मोल्स ऑफ H2O विल बी रिलीजेस आउटसाइड, एंड SI, फिर इन दोनों के बीच में एक O फिट हो जाएगा, वो O ये है, फिर SI, फिर इन दो SI के बीच में एक O फिट हो जाएगा, फिर आपका आ जाएगा SI, फिर इन दोनों SI के बीच में भी एक O आ जाएगा, और इस SI पे दो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं वो दिखाई दे रहे होंगे, इस SI पे भी दो एल्काइल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, इस SI पे भी दो एल्काइल ग्रुप दिखाई दे रहे होंगे। तो ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया। तो होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अभी दूसरा उसके नीचे वाला डिस्क्राइब करते हैं, पॉज करके फ़िलहाल स्क्रीनशॉट ले लें तीनों केस के लिए। थोड़ा सा इनके और चार टाइप को डिस्क्राइब कर लेते हैं कि सिलिकॉन और भी चार टाइप के होते हैं और कुछ स्पेशल है नहीं। आपके पास जो ये वाला है सिलिकॉन लिक्विड, तो जो लीनियर सिलिकॉन्स होते हैं, लीनियर सिलिकॉन्स जो सबसे पहले बताए वही आपके सिलिकॉन लिक्विड कहलाते हैं। लीनियर सिलिकॉन्स में, सिलिकॉन्स मतलब लीनियर के जो सिलिकॉन के जो पॉलीमर है लीनियर स्ट्रक्चर में, उसमें अगर आप कुछ एक्स्ट्रा मिला दो, ऐड कर दो फिलर ऐड कर देते हैं, तो ये आपके बन जाते हैं आपके पास सिलिकॉन फ्लूड। फिलर का मतलब सोप और डिटर्जेंट ऐड कर देंगे अगर हम इसमें, तो ये आपका बन जाएंगे सिलिकॉन फ्लूड। अब बारी आती है सिलिकॉन ग्रीस और सिलिकॉन रेजिन की। तो सिलिकॉन रेजिन जो होते हैं वो आपके साइक्लिक वाले स्ट्रक्चर होते हैं, साइक्लिक सिलिकॉन्स को कहते हैं,
और बचा क्या, सिलिकॉन ग्रीस। तो आपका सिलिकॉन ग्रीस वाले जो होते हैं वो आपके कहलाते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। जो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होते हैं वो आपके सिलिकॉन ग्रीस की कैटेगरी में माने जाते हैं। तो होप आपको ये सारा सिलिकॉन वाला मामला समझ में आ गया होगा। सिलिकॉन फ्लूइड, तो होप आपको ये सारा सिलिकॉन्स के टाइप्स वाइप्स पूरे एक्सप्लेनेशन, लीनियर, क्रॉस लिंक्ड और साइक्लिक सिलिकॉन्स। बाकी इसमें जो कुछ क्वेश्चंस बच रहे हैं दो चार, वो मैंने पहले ही डिस्क्राइब किए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तब तक के लिए फिलहाल जी लो अपनी ज़िंदगी। सेक्शन सी वाले पार्ट में बात करेंगे आगे की वीडियो में। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।